इज बोनस और आज हम बनाने वाले हैं हरियाली चिकन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सो यहां पे लिया हुआ मैंने चिकन, यहां पे है लेमन। सो यहां पे हम लेमन को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे चिकन में। द नेक्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, वॉन्ट टू एड वन पॉइंट, कि लेमन जो होता है वो चिकन को या फिर कोई भी मीट में आप ऐड करते हैं तो वो काफी टेंडर करता है। ठीक है, चिकन। सो अब इस मैरिनेशन को हम कम से कम रखेंगे हाफ एन आवर। ठीक है, उसके बाद करते हैं फिर आगे का प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे कैशू नट्स, नेक्स्ट चिली, ठीक है, रेड चिली, यू कैन यूज ग्रीन चिली ऑल्सो, जिंजर गार्लिक। सो अब इस इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, सी यहां पे हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे ऐड करेंगे हम लोग पुदीना और धनिया। ठीक है, धनिया आप जितना ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम हम पुदीना लेंगे। ठीक है, यूज फ्रेश ग्रीन्स, सो क्या होगा आपका जो कलर है वो अच्छा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कुछ ग्रीन्स वगैरह आप चटनी बना रहे हैं या फिर आप मैरिनेशन के लिए रेडी कर रहे हैं, पानी की जगह आप आइस क्यूब दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली जितना आप पानी डालते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइस क्यूब यूज करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हम इसको पीसते हैं, मीन्स जब इसको हम ब्लेंड करते हैं, उससे क्या होता है कि एक हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो हीट जो होता है ये ग्रीन्स का कलर को फेड कर देता है। ठीक है, सो क्या होगा, आइस यूज करने से यहाँ पे आपका जो ग्रीन है वो अच्छे से रिटेन रहेगा और उसका जो ग्रीन रहेगा काफी वाइब्रेंट कलर देगा आपको। राइट, सो ध्यान रखिएगा इस स्टेप का। ठीक है, सो यहां पे मैं 3 से 4 आइस क्यूब यूज करूंगा। ठीक है, सी नाउ विल ब्लेंड इट। ठीक है, नाइस ग्रीन कलर, राइट, और कितना चिल्ड है ना। सो इस वे में खींचेगा तो आपका जो ग्रीन कलर है वो परफेक्ट आएगा। तो नाउ अब इसको हम यहां पे मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा पीसने टाइम में आप ज्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम पानी ऐड करना है, जैसे कि अच्छा सा पेस्ट मिल सके बस उतना ही ऐड करना है। ठीक है, विल ऐड पेपर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, क्रस्ट मसाले। अब यहां पे ऐड करेंगे योगर्ट। ठीक है, योगर्ट या फिर दही जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा होगा, मीन्स जितना आपका योगर्ट थिक होगा या फिर दही थिक होगा उतना बेटर होगा। ठीक है, सो ये है हाफ कप योगर्ट, सबको अच्छे से मिक्स। सो ग्रीन, हाँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, आई एम टेलिंग यू, आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा काजू पेस्ट भी है, एक अच्छा सा वेलवेटी या फिर क्रीमी आपको एक टेस्ट देगा। ठीक है, टू योर पैलेट, और थोड़ा हीट, मीन्स ऑलरेडी चिली भी इसमें यूज किए हुए हैं, विल गिव यू अ नाइस हीट, मीन्स अ गुड किक, और ग्रीन विल मिंट एंड ऑल दिस ऑल थिंग्स लाइक फ्रेशनेस टू योर पैलेट, राइट। सो और यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस है जो भी हमने यूज किया उसको परफेक्ट मेंटेन करने के लिए योगर्ट और या फिर दही। ठीक है, सो एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड। हाँ जी, ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अब यहाँ पे हम इस मैरिनेट को रखेंगे कम से कम 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरा एक दिन भी आप रख सकते हैं फ्रिज में। ठीक है, जितना देर तक रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर इसका आपको मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूंगा। ठीक है, फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे मैं इसको रखा हुआ था फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कैन सी, सो चिल्ड, हाँ। सो यहाँ पे आप वेट करेंगे कम से कम 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद करते हैं फिर इसको कुक। ऑयल यहाँ पे आप चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मीडियम टेम्परेचर में इस चिकन को कुक कर रहा हूँ, स्लोली ग्रेजुअली विल कुक इट। ठीक है, और एक बार अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद विल ऐड दिस रेस्ट ऑफ द मैरिनेशन। ठीक है जी, लुक एट दैट ग्रीन। ध्यान रखिएगा इसको करते हुए आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि चिकन में जो वाटर कंटेंट है या फिर जो मैरिनेशन में जो भी थोड़ा हमने यूज किया हुआ वाटर वो आपके ऊपर में स्पिट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पे जो चिकन है
सो यहाँ पे जो चिकन है वो ऑलरेडी पक चुका है, यू कैन सी लेग पीस का जो चिकन पीसेस है ये अपार्ट हो रहा है, मीन्स चिकन इज कम्प्लीटली कुक्ड। अभी जो मैरिनेशन है ये पूरे को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट और यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला। ठीक है, यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, लुक एट दैट ग्रीन कलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस चिकन को हम ढक देंगे कम से कम 15 to 20 minutes। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए और जो मसाले हमने ऐड किया हुआ है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, सो 15 to 20 minutes। वाओ, दिस इज व्हाट आवर हरियाली चिकन इज रेडी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर चिकन, राइट, लुकिंग सो गुड। ट्राई जरूर कीजिएगा। नाउ विल सर्व। यहाँ पे मेरे पास है फ्राइड अनियन। ठीक है, अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिएगा अनियन को और उसको हल्का सा ड्राई कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको अच्छे से इस वे में पाउडर बना लेंगे। ठीक है, नाउ विल ऐड द फ्राइड अनियन। ठीक है, सो ये है हमारा आज का रेसिपी, हरियाली चिकन, डिलीशियस। आप ट्राई जरूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ठीक है, I'll see you in the next delicious recipe. Till then, Hariyali chicken. Bye bye.